आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। इस साल रविवार के दिन शुरू हो रहा है नया वर्ष यानी कि 2023, और नए साल की शुरुआत ही अगर सूर्यदेव से हो तो ये तो सोने पे सुहागा ही है दोस्तों। और हर कोई चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि ये नव वर्ष उनके लिए या उनकी राशि के अनुसार क्या कुछ अच्छा लेकर के आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर कुंडली में या फिर ग्रह दोष कुछ ना कुछ रहते ही हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि जाने और जानना चाहते हैं कि हमारे नव वर्ष में हमारे लिए क्या है, हमारा जो भाग्य है वो क्या लेकर के आ रहा है। हर कोई तैयारी कर रहा है नव वर्ष के आगमन की, लोग तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे होंगे पार्टीज़ के लिए, कुछ लोग अपने अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्लानिंग में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं लेकर के आई हूँ कि यह नव वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस राशि का 2023 में भाग्योदय हो रहा है, कौन सी राशि पर कृपा बनेगी और किस राशि का जो है वो थोड़ा सा ये साल जो है 2023 थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी राशि हैं जिनका जिन्हें इस साल मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नए साल में उनका भाग्योदय बहुत ही शुभ लग्न के साथ होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि 2023 के पहले दिन जनवरी 1 तारीख जो है वह सूर्य ग्रह और बुध ग्रह धनु राशि में मौजूद रहेंगे। इस तरह शुक्र ग्रह और शनि ग्रह मकर में रहेंगे, गुरु ग्रह मीन राशि में और चंद्र ग्रह के साथ राहु मेष में होगा। अगर ऐसा है तो यह थोड़ा सा मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि सूर्य देव जो है नए साल में मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मेष सूर्य देव की उच्च राशि मानी गई है। जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वो सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर का पूर्ण फल उसको प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के गोचर से किन किन राशियों के अच्छे दिन आएंगे 2023 में। वीडियो को स्किप ना करें, देखें कि कहीं आपकी राशि तो नहीं है। सबसे पहले बात आती है मेष राशि की। नए साल की शुरुआत में सूर्य के प्रभाव से इस राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। सूर्य मेष राशि के पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ योग कारक भी हैं और इनका लग्न भाव में गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देता है। इसमें भी अगर कुंडली में सूर्य त्रिकोण में है तो अगर कुंडली जो है वो त्रिकोण में है तब जाकर के ही कहीं दिक्कत आएगी, तो अत्यंत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। सूर्यदेव इस राशि के जातकों को पंचम भाव के शुभ फल देंगे, यानी कि प्रेम संगमों में भी सफलता मिलेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, प्रतियोगिता स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में जो लोग भाग देंगे और संतान को सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस दौरान शिक्षा, शेयर मार्केट और अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो इससे जुड़े लोगों के लिए कामयाबी मिलेगी मेष राशि के जातकों के लिए। अब दूसरा है कि कर्क राशि। सूर्य कर्क राशि के दूसरे भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, नई जॉब का ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है और कारोबार से जुड़े लोगों को जबरदस्त मुनाफा होगा और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये साल लकी ही साबित होगा। इसके बाद आता है सिंह राशि। तो जो सिंह राशि नए साल में अगर सूर्य सिंह राशि में त्रिकोण भाव यानी कि नवम स्थान में प्रवेश कर रहा है और राशि के स्वामी का भाग्य स्थान में गोचर इस राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, और इस समय जातकों के रुके हुए काम भी पूरे होंगे, यानी कि सिंह लग्न के जो लोग हैं सुकून महसूस करेंगे, कारोबार या नौकरी के सिलसिले में लंबी यात्रा हो सकती है और जो भविष्य में काफी लाभदायक सिद्ध भी होगी, मेहनत का आपको फल अवश्य मिलेगा।
इसके बाद आती है मकर राशि। नए साल की शुरुआत में सूर्य देव का मेष राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ है। सूर्य देव इस राशि से चतुर्थ भाव में हैं और गोचर करने जा रहे हैं, जिसे भौतिक सुख और माता का स्थान माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही आप घर, वाहन, भूमि या कोई लग्जरी सामान भी खरीद सकते हैं। माँ के साथ रिश्ते आपके बहुत ही मधुर और मजबूत भी होंगे। दोस्तों, ये बात थी कि ये वो लोग हैं, ये वो राशियां हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा इस साल फायदा होने वाला है। और ये भी ध्यान दें कि सूर्य देव का दिन है रविवार और उस दिन ही ये शुरुआत हो रही है नए वर्ष की, तो कुछ खास उपाय करें ताकि सूर्य देव की कृपा सभी लोगों के ऊपर बरसती रहे। हर कोई उस दिन सूर्य देव के लिए अगर ये कार्य करते हैं तो जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है दोस्तों आपको, 1 जनवरी 2023 रविवार को स्नान के बाद उगते हुए सूर्य देव को जल दें। धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी आप पूजा करें। ऐसा करने से सूर्य देव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूरे वर्ष आशीर्वाद मिलेगा। और कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो आपको 1 जनवरी 2023 के दिन, रविवार के दिन, मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं। इससे आपको बहुत बहुत ही फायदा होगा। सूर्यदेव को कोशिश करें कि सूर्योदय के समय आप जल दें। सूर्यदेव को जल देते समय ध्यान रहे कि उनके जल में गंगा जल, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन, मिश्री या फिर गुड़ मिला करके ही ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से उनको अघर्य दें तो उनकी आपको पूर्ण रूप से कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, यह था कि संडे के दिन नववर्ष शुरू हो रहा है तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय करें। और वो राशियां जिनको इस साल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो वो भी सूर्यदेव की उपासना अच्छे से करें ताकि उनके ऊपर जो है, जो भी दोष हैं वो भी दोष मुक्त हों और सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और जिनके बारे में नहीं है कुछ भी, फिर भी उनको जल सूर्यदेव को अर्पित करना ही करना है ताकि उनकी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर बरसती रहे और यह नव वर्ष ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आए, ढेर सारा अबंडेंस ले आए आपके जीवन में, उन्नति, सफलता और सारी वो डिज़ायर्स जो आपकी अधूरी थी वो इस साल ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाए। इस चीज़ की कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।